जय स्वामीनारायण। धोरण 6 इंग्लिश मीडियम लास्ट पीरियड वी राइट यूनिट टेस्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेमेस्टर वन पेपर सेम 1 2019 पेपर लास्ट पीरियड वी रोट MCQ टुडे क्वेश्चन नंबर 1B वी राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू रेन the colors of the rainbow were foolish colors are foolish it is right sentence but rainbow color is not stupid so this sentence is false number 2 The birds got a lot of good food. False. जब कलर क्वारल क्वालिंग कर रहे थे तब रेन ने इसको फुलिश बोला था तो इसके लिए आप ट्रू भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दूसरा यूज किया है रेनबो। जब रेनबो में मिल जाते हैं तब कलर फुलिश नहीं होते, तब कलर टूगेदर साथ में मिलकर अपना रेनबो दिखाते हैं। बर्ड्स डिड नॉट गेट लॉट ऑफ गुड फूड बट एनिमल गॉट अ लॉट ऑफ गुड फूड बाय लायन बाय अदर एनिमल्स। नंबर 3 विजय ओपनेड द होस होस मीन्स पाइप वाटर पाइप एंड स्प्लैश्ड एंड स्प्लैश्ड मीन्स स्प्रिंकल स्प्लैश्ड मीन्स स्प्रिंकल स्प्रिंकल मीन्स वाटर पानी को छंटकाव करना। His friends, when he visited their places. True. जब विजय इसके मित्रों के वहाँ जाता तब पानी के पाइप से खेलता और पानी का छंटकाव करता। लिख दो माय डियर फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 4 द कुक एडेड
सम पीपल टू द प्रिपेरेशन of the new dish जब कुक न्यू डिश बना रहा था पीपर मीन्स गुजराती में मरी बोलते इसमें ऐड किया नहीं ऐड किया था तो वो सेंटेंस फॉल्स अगर ऐड किया तो सेंटेंस ट्रू है वो समझ के चलने का नेक्स्ट नंबर 5 द स्मार्ट बेल्स फंक्शन द स्मार्ट बेल फंक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम different from those of a regular bell the smart bells functions are different from those of regular bells iske function alag the बात सही है इसके लिए सेंटेंस सही है सेंटेंस नंबर 6 द मोथ वॉज अफ्रेड ऑफ बर्निंग His wings true है moth means small insect वो अपनी पाख जलने से डरता था सही है इसके लिए true लिख दो क्वेश्चन नंबर 1C रीड द फॉलोइंग पोएम रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड answer the questions given below यहाँ पर एक poem दिया है कौन सा poem है वो भी लिखा दो poem है night नाइट पोएम से लिया है पैराग्राफ द सन डिसेंडिंग द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट वहां से लेके डैश 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 लास्ट में वर्ड है बाय देयर बेड
बाय देर में। यहाँ तक एक पोएम दिया है, आप पोएम अपनी बुक के अंदर देख लेना, बाद में इसके आंसर हम लिखाएंगे। नंबर वन द एंजल्स पोएम के क्वेश्चन आंसर है, एंजल्स कम डाउन ऑन अर्थ टू ब्लैंक। यहाँ पर ऑप्शन है स्प्रेड मूनलाइट, मेक पीपल डांस एंड हैव फन, गिव ब्लेजिंग एंड जॉय, टेक ब्लेजिंग एंड जॉय। यहाँ पर एंजल मीन्स देवदूत कम डाउन पृथ्वी पे आया, क्यों आया, स्प्रेड मूनलाइट करने के लिए आया, गिव ब्लेजिंग एंड जॉय के लिए आया, टेक ब्लेजिंग एंड जॉय, मेक पीपल डांस हैव फन। यहाँ पर लिखा है मूनलाइट फ्लावर हेवंस फेयरवेल ग्रीन फील्ड्स। ब्लेसिंग, गिव ब्लेसिंग एंड जॉय, गिव ब्लेसिंग एंड जॉय, बी ऑप्शन है वो ऑप्शन राइट है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर टू, बर्ड्स नेस्ट डिस्क्राइब्ड एज थॉटलेस बिकॉज ब्लैंक। बर्ड्स नेस्ट, यहाँ पर बर्ड्स का नेस्ट डिस्क्राइब्ड है थॉटलेस वर्ड्स यूज किया है, बिकॉज थॉटलेस वर्ड्स क्यों यूज किया है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, द एंजल्स आर ब्लेजिंग द बर्ड्स टू बी हैप्पी, द बर्ड्स आर कवर्ड इन द वॉर्म्थ ऑफ देयर नेस्ट, इट इज मेड विदाउट एनी थॉट, द ऑक्यूपेंट्स आर एस्लिप विदाउट एनी के। तो बर्ड्स नेस्ट का आंसर है बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, द मून लाइक फ्लावर हेवंस हाई फ्लावर। Thoughtless. Number C option right है, it is made without any thought. तीसरा question है, the figure of speech figure of speech
फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार यूज्ड इन द लाइन इन हेवन्स हाई बावर इन हेवन्स हाई बोवर इज खाली जगह मेटाफॉर पर्सोनिफिकेशन एलिट्रेशन सिमिली हेवन्स हाई बोवर एलिट्रेशन जय स्वामीनारायण।